बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मीडिया हाउसेस कैसे टैक्स चोरी करते हैं, मीडिया हाउसेस बनाने का मकसद क्या होता है, आज हम इस अहम तरीन मौजू पर आपसे बात करेंगे। मैं आपको दो तीन छोटी छोटी मिसालों से समझाना चाहूँगा कि जब मैं 92 न्यूज़ में था तो एक दिन अनरिटन एक सर्कुलेशन आता है कि जी इसहाक डार के खिलाफ कोई भी नेगेटिव खबर नहीं चलेगी, अलबत्ता कोई पॉजिटिव खबर है तो उसको आप ज़रूर बुलेटिन में भी चलाएं और टिकर्स भी चलाएं। तो मैंने जब थोड़ी सी उसकी तहकीकात की, कुछ लोगों से उसके बारे में पूछा, तो मुझे पता चला कि जो 92 न्यूज़ का जो ऑनर्स हैं, फैसलाबाद से उनका ताल्लुक है, तो उनके इसहाक डार के साथ जो है ना वो खासी करीबी इनके जो है टर्म्स हैं ताल्लुकात हैं। अब उसका मकसद क्या था कि वो उसके खिलाफ खबर ना चलाई जाए। इसहाक डार के अंडर FBR आता है जो कि टैक्स मामला देखता है। 92 न्यूज़ एक बहुत बड़ा ग्रुप है जिनके बहुत सारे बिजनेस हैं, स्टील का, उसके अलावा किसान घी इनका है, उसके अलावा यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, और भी बहुत सारे इनके बिजनेस हैं। अब इसहाक डार के खिलाफ खबर ना चलाने का जो फ़ायदा था वो उनको इस सूरत मिलता था कि टैक्स के मामला में इनको बहुत सारी बचत हो जाती थी। फिर दूसरी चीज़ ये कि 92 न्यूज़ की ना अपनी एक ट्रस्ट है, मदीना फाउंडेशन के नाम से इन्होंने वो ट्रस्ट बनाई हुई है जिसकी एम्बुलेंसेज भी हैं, जिसके तहत ये लंगर खानों पे खाने भी देते हैं, पाकिस्तान से बाहर भी मक्का मदीना में भी ये लोग खाने देते हैं। तो जो ट्रस्ट बनाने का मकसद होता है किसी भी बिजनेसमैन का, वो ये होता है कि उसके ज़रिए अपने जो टैक्स के पैसे हैं उनको बचा लिया जाए। अब क्योंकि जो चैरिटी का काम होता है, जो आप ट्रस्ट बनाते हैं, फाउंडेशंस बनाते हैं, वो टैक्स उनके ऊपर लागू नहीं होता। अब 92 न्यूज़ ने क्या किया है कि अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं, 92 न्यूज़ के जो एम्प्लॉयज़ हैं, अखबार के जो एम्प्लॉयज़ हैं, उनको मदीना फाउंडेशन का एम्प्लॉय ज़ाहिर किया हुआ है। इनसे जब लेटर मांगे गए कुछ लोगों ने, मैंने भी जब इनसे एक्सपीरियंस लेटर मांगा तो उसमें था जी मदीना फाउंडेशन के एम्प्लॉय के तौर पर आपको लेटर मिल सकता है लेकिन पे स्लिप आपको नहीं मिलेगी। अब एक और चीज़ इन्होंने जो की है वो ये कि अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको आधी तनख्वाह ये लोग कैश इन हैंड देते हैं और आधी तनख्वाह अकाउंट में आती है। अब उसका क्या फ़ायदा और क्या नुकसान है वो भी मैं आपको बताता हूँ कि मिसाल के तौर पे 50,000 रुपये एक बंदे की सैलरी है, जो 50,000 जिसकी सैलरी होती है वो पहली स्लैब में आता है कि उसके ऊपर टैक्स लागू होता है, लेकिन जब आप उसको 25,000 रुपये अकाउंट में दे रहे हैं, जो कि अकाउंट में आएगी तो जाहिर है गवर्नमेंट के पास उसका रिकॉर्ड जाएगा बैंकिंग ट्रांजेक्शन के थ्रू कि इस बंदे की तनख्वाह 25,000 है, लेकिन 25,000 रुपये जो है वो उसको कैश इन हैंड दिया जाएगा। अब इससे ये हो जाता है कि वो टैक्स जो है वो बच गया, वो एम्प्लॉय जो है उसको पे नहीं करना पड़ेगा, और जो इसी तरह जो इदारा है वो भी अपने मतलब पैसे थोड़े शो करवा रहा है तो उसको भी टैक्स के मामलात में बचत हो रही है। फिर इसके अलावा इन्होंने एक काम और किया कि लोग निकाले बहुत सारे, क्योंकि जाहिर है अब जो बिजनेस इन्होंने एक हाइप बनाई हुई थी मीडिया ने, अब वो हाइप टूट रही है, इनकी हाइप बहुत कम हो गई है, बिजनेस मिलना कम हो गया है, मौजूदा हुकूमत ने बहुत कम पैसे देना इनको शुरू किए हैं कि जी एक मिनट के पैसे आपके 5,000, 10,000, 20,000, 50,000 या हद 1,00,000 रुपए एक मिनट का बनता है तो इनको वो दिए जा रहे हैं। साबका हुकूमतों ने तो 2,500, 3,000,000 रुपए दिए थे, तो उस दौर में तो इन्होंने 5,500, 6,600, 8,800 बंदा रखा हुआ था जो कि इनका जो चैनल था उसके लिए फ़ायदेमंद भी था और उसके अलावा इनको पैसे भी मिलते थे। लेकिन अब इनको ना तो हुकूमत की तरफ से पैसे उस तरह मिल रहे हैं, ना इनको प्राइवेट सेक्टर से मिल रहे हैं, क्योंकि इतने ज़्यादा चैनल्स हैं और पाकिस्तान में बिजनेस का वो सिस्टम नहीं है, कमर्शियल जो इदारे हैं वो इतने नहीं हैं कि इनको वो पैसे दे सके। इसके अलावा एक दफ़ा शाहीन सिबाई साहब ने इस पर आर्टिकल लिखा था, ये बात है जनवरी 2019 की, कि मीडिया हाउसेस जो हैं उसमें क्या क्या फ्रॉड हो रहे हैं और किस तरह, तो मेरी उनसे बात हुई कि 92 न्यूज़ किस तरह से वो क्या कर रहा है। अब इसमें ये था कि 92 न्यूज़ का एक शो होता था इकोनॉमी राउंड अप के नाम से, शफकत महमूद नाम का एक शख्स जो था वो इनका पैनलिस्ट होता था जो कि टैक्स के मामलात पे या पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर बात करता होता था। अब मुझे जो उस बारे में मालूमात मिली कि शफकत महमूद को अपने चैनल में वो शो देने का जो मकसद था वो ये था कि वो बंदा इनकी जो बाकी बिजनेसेस हैं उनके ऊपर टैक्स कंसल्टेंसी का काम करता था और वो बंदा इनको तरीके बताता था कि कहाँ कहाँ सिस्टम में लूप होल हैं और कैसे कैसे टैक्स बचाया जा सकता है। इसी वजह से उसको 92 न्यूज़ पे भी शो दिया हुआ था ताकि उसका एक पब्लिक फेस बना रहे और उसकी भी कोई वर्थ हो। तो ये लोग इस तरह से इस्तेमाल करके लोगों को या हुकूमतों के खिलाफ जो प्रोपोगंडा करके या कंपेन चला के अपने पैसे बचाते हैं या ताल्लुकात बना के, कि 92 न्यूज़ पहले इसहाक डार से उसका ताल्लुक था, हालांकि मुस्लिम लीग के खिलाफ था, लेकिन इसहाक डार से इनके बहुत करीबी ताल्लुक थे, उसके खिलाफ खबरें नहीं चलती थी। लेकिन जैसे ही इमरान खान की हुकूमत आई, आप देख सकते हैं कि कुछ अरसा कबल इमरान खान फैसलाबाद गए तो उन्होंने वहां जो पनाह गाह थी उसका इफ्तिताह करना था। अब वहां की जो पनाह गाह है उसकी जिम्मेदारी 92 न्यूज वालों की जो मदीना फाउंडेशन है उसने ली है, और ये दोनों जो मालिकान जो भाई हैं ये इमरान खान के साथ थे। अब ऐसे जो बिजनेसमैन लोग होते हैं जो मॉरली और फाइनेंशियली करप्ट हों,
वो जब किसी वज़ीर आज़म या सदर के करीब होते हैं तो ज़ाहिर है उसके पीछे कोई ना कोई मकसद होता है जिसको वो हासिल कर रहे होते हैं, गुडविल होती है जिसको वो बना रहे होते हैं। अब फैसलाबाद वाला जो पनाह गाह है उसकी ज़िम्मेदारी इनके पास है, उसके अखराजात ये मैनेज कर रहे होंगे, थोड़े बहुत हो सकता है हुकूमत से भी ले रहे हों, बाकी फाउंडेशन से दे रहे होंगे, तो उसके बदले में ये लोग हुकूमत से ये इदारों से क्या ले रहे होंगे। अब FBI कैसे जुर्रत करेगा कि इन लोगों को आके कहे कि जी आपका फलां टैक्स का मामला है वो हमारे साथ क्लियर कीजिए या फलां इशू है वो क्लियर कीजिए, अरबों खरबों रुपए का इनका बिजनेस है। इसी तरह जो GNN न्यूज़ है, अब गोरमे उनकी जो बेकरियां हैं, जब वो बेकरियां बनी तो उनकी बहुत हाइप बन गई पाकिस्तान के अंदर, शायद ये बेकरी का जो बिजनेस है उसको एक नया ट्रेंड गोरमे की वजह से मिला, बाकी भी थी उससे पहले लेकिन गोरमे ने उसको एक नई हाइप दी। अब आसिफ अली जरदारी के दौर में क्या हुआ कि गोरमे न्यूज़ का जो मालिक है उसको हुकूमत की तरफ से कहा गया कि जी हमें परसेंटेज दी जाए, जिसके लिए आसिफ अली जरदारी मशहूर थे कि जी वो परसेंटेज मांगते हैं, जैसे सदरुद्दीन हाशवानी जो PC होटल के मालिक हैं, इस्लामाबाद वाले जो मैरियट है उसमें हमला भी हुआ था, बाद में हाशवानी साहब अपनी किताब में भी ये बताया था कि ये ऐसे ही दहशत गर्दों पर डाला गया जबकि इसके पीछे कुछ और अनासर थे और मामला कुछ लेन देन के थे। तो इसी तरह इन्होंने गोरमे वालों से भी पैसे मांगे। अब गोरमे वाले कुछ अर्सा तो इनको वो करते रहे, लेकिन बाद में ये हुआ कि इन्होंने अपना न्यूज़ चैनल बना लिया। जब मैं वहाँ पे जॉब कर रहा था तो जो मुझे अंदरूनी ज़राए उनसे पता चला कि इन्होंने अरबों रुपए खर्च कर दिए हैं ये चैनल खड़ा करने पे, लेकिन ये चैनल चल नहीं पा रहा, अरबों रुपए। हालांकि एक चैनल बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 60-70 करोड़, 80 करोड़ या 1 अरब रुपये अमाउंट जो है वो बहुत ज़्यादा होती है कि आप एक चैनल अच्छे तरीके से बना के उसको चला लेते हैं, लेकिन उस शख्स ने कुछ 2-2.5 अरब से ज़्यादा इस पर पैसे लगाए ताकि एक चैनल बन जाए। पंजाब फूड अथॉरिटी के एक DG थे नूरुल अमील मेंगल, उन्होंने कई दफ़ा गोरमे की बेकरियों पर और इसी तरह गोरमे के जो यूनिट्स थे प्रोडक्शन के उन पर रेड किया, तो वहाँ पर नाकस सफाई के इंतजाम थे या और बहुत सारे मसाइल थे, उस वजह से उसको इन्होंने बंद कर दिया। इन्होंने शहबाज शरीफ को कह के या उसके खिलाफ कंपेन चला के, जब इनका जाग TV होता था कंपेन चलवानी, इसी तरह जो 24 न्यूज़ था वो भी इनके साथ मिल के DG फूड के खिलाफ कंपेन चलाता होता था, उसके खिलाफ मेलाइनिंग कंपेन चला के इन्होंने अपने वो जो यूनिट थे उनको ओपन करवाया। अब GNN वालों का ताल्लुक पीपल्स पार्टी से बहुत करीबी है, इन्होंने 2018 के इलेक्शन में बाकायदा पीपल्स पार्टी की कंपेन चलाई है, 24 न्यूज़ ने बाकायदा कंपेन चलाई है, ये दोनों मिल के इदारों के खिलाफ कंपेन चलाते हैं ताकि अपने जो इनके मफादात हैं उनको सिक्योर किया जा सके। और उसमें अब इन्होंने भी गोरमे न्यूज़ वालों ने भी जो अपना खाने पीने के लंगर खाने खोले हुए हैं, एक ट्रस्ट बनाई हुई है, उसका क्या मकसद है? क्या ये सिर्फ नेकी कमाने के लिए होता है? पाकिस्तान जैसे मुल्क में शायद ही कोई शख्स कोई इदारा ऐसा हो जो कि ये चैरिटी के काम या फाउंडेशन के काम नेकी के लिए कर रहा हो। मैं सब पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, लेकिन मेजॉरिटी जो बिजनेसमैन है वो चैरिटी का काम करते ही सिर्फ इसलिए हैं ताकि उसकी मद में अपने एम्प्लॉयज़ को उसमें शो करा के या अपने टैक्स मामलात को उसमें शो करा के जो टैक्स का पैसा है उसको बचाया जा सके। इसी तरह जो जंग ग्रुप है, जो जियो न्यूज़ है, 1997-98 में जब नवाज शरीफ की हुकूमत थी तो उन्होंने इसको नोटिस भेजा था कि आपके ज़िम्मे अरबों रुपये के टैक्स वाजिब अदा हैं। इन्होंने बहुत शोर मचाया, बहुत मामलात बने, बाद में ये मामला दफन हो गया। आज तक ये पता नहीं चला कि इन्होंने वो पैसे दे के मामला दबवाया था या आज़ादी ताल्लुकात इस्तेमाल करते हुए दबवाया था। इसके अलावा PTI के जो दौरा हुकूमत जैसे ही आया तो ARY न्यूज़ के जिम्मा को 1 अरब रुपए के करीब टैक्स वाजिबुल अदा था, तो उनको नोटिस भेजा गया, तो वो ARY न्यूज़ जो कि पहले PTI के साथ और हक में खबरें चलाता था, अरशद शरीफ जो कि PTI के हक में अक्सर प्रोग्राम करता था और नून लीग के खिलाफ करता था, ये सारे PTI के खिलाफ हो गए। यानी कि इनकी टैक्स चोरी के बारे में अगर बात की जाए तो ये आपके दुश्मन हैं, क्योंकि आपने आज़ादी इजहार राय पे हमला कर दिया है, आपने सहाफत पे हमला कर दिया, लेकिन अगर आप इनसे पैसों के बारे में ना पूछें तो फिर ये लोग आपके साथ हैं। यही मामला जियो न्यूज़ और जंग ग्रुप के साथ भी हुआ था कि इनके भी टैक्स के कुछ पैसे वाजिबुल अदा थे, तो हुकूमत ने इनको जब नोटिस भिजवाया तो इन्होंने फिर से शोर मचाना शुरू कर दिया। 2012 में जब मैं यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट था तो हमारे एक सीनियर जो प्रोफेसर थे उनसे हमें ये बात पता चली थी कि पाकिस्तान का जो जियो न्यूज़ है, जो सबसे बड़ा चैनल जिसको कहा जाता है, उसके ज़िम्मे कम से कम 2-2.5 अरब रुपए के टैक्स वाजिबुल अदा हैं, और ये सारे जो उन्होंने पैसा जो है बचाया है वो हुकूमतों के साथ गठजोड़ करके बचाया। अब ये मीडिया चैनल हुकूमतों के बिहाफ पे इसलिए खेलते हैं ताकि इनको माली फवायद मिल सकें। फिर इसी तरह नवाज शरीफ दौर में जो इनको अरबों के टैक्स इनको अरबों रुपये के जो इनको इश्तहार जारी होते रहे, जियो न्यूज़ का जो रेट था वो 3.25 लाख रुपए के करीब था, सबसे ज़्यादा रेट जियो न्यूज़ का था। फिर उसके बाद एक्सप्रेस न्यूज़ था, ARY न्यूज़ था, समा न्यूज़ था, बाकी TV चैनल से 2 लाख 2.5 लाख, वो चैनल जो एग्जिस्ट ही नहीं करते थे उनको भी 1 लाख 1.25 लाख 1.5 लाख 2 लाख रुपए के दिए एड्स मिलते रहे। फिर बहुत सारे अखबार थे हज़ारों की तादाद में जिनको एड्स मिलते रहे ताकि वो हुकूमत के खिलाफ जो है वो कोई खबर ना दें बल्कि हुकूमत के लिए लॉबिंग करते रहें।
खबरें जो हैं मन घड़त लगाते रहें या इनकी तारीफ़ों पे लगाते रहें ताकि हुकूमतों की जो एक गुडविल है वो कायम रहे और उससे इनका बिज़नेस भी चलता रहे और उससे जो हुकूमतें हैं उनका भी फ़ायदा होता रहे। तो ये सारे जो चैनल्स हैं, जो मीडिया हाउसेज हैं, इनका जो सबसे बड़ा मकसद है वो यही है कि अपने बिज़नेस का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। अब दुनिया न्यूज़ का एक और वाक़या मैं आपको बता देता हूँ कि दुनिया न्यूज़ जो है मियाँ आमिर का, इनके पहले पंजाब कॉलेजेस और इसके अलावा इनकी UCP यूनिवर्सिटी है, इसके अलावा इनके एक और माजू यूनिवर्सिटी है मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी, फिर उसके अलावा इन्होंने अब स्कूल भी शुरू किए हुए हैं। तो इन्होंने अपने उस बिज़नेस को सिक्योर करने के लिए दुनिया न्यूज़ लॉन्च किया था। उस पर आपको याद होगा मलिक रियाज और मेहर बुखारी मुबशर लुकमान का एक स्कैंडल आया था, वो जो वीडियो लीक हुई थी जिसमें ये मलिक रियाज से प्लॉट्स की डिमांड कर रहे थे। फिर इसके अलावा और बहुत सारे वाक़यात हुए, लेकिन इन ये लोग अपना ये डैमेज जो था इसको कंट्रोल कर गए। मियाँ आमिर के खिलाफ पंजाब कॉलेज में एक लड़की मर गई थी, उसका एक केस दर्ज हुआ था। राणा सनाउल्ला वज़ीर कानून पंजाब थे उस वक्त, तो इन्होंने पंजाब हकूमत ने मियाँ आमिर के खिलाफ FIR दर्ज कर दी। मियाँ आमिर और इसके जितने भी एंकर्स थे ये सारे उस वक्त ऑन एयर बैठे, इन्होंने सारा दिन ट्रांसमिशन की, पंजाब हकूमत के खिलाफ शोर मचाया, अपना मौकफ बताते रहे, इस कदर प्रेशर बनाया कि फाइनली राणा सनाउल्ला खुद दुनिया न्यूज़ के ऑफिस आए, FIR जो थी उसको खारिज करवाया और उसके बाद मियाँ आमिर अपने दफ्तर से बाहर निकले थे। तो बेसिकली TV चैनल बनाने का मकसद ही सिर्फ ये होता है कि ताकि जो आपकी ताकत है उसको दिखाया जा सके कि जी मीडिया की आवाज़ पूरी दुनिया सुनती है, पूरा मुल्क सुनता है और हम जो हैं अपने फवायद के लिए, अपने मकासद के लिए हर हद तक जा सकते हैं। इस चैनल की आड़ में या इन अखबारात की आड़ में ये लोग हकूमतों से फवायद लेते हैं, टैक्स चोरियाँ करते हैं, हकूमत भी चुपचाप इनकी वो टैक्स चोरियाँ जो हैं उनको देखती रहती है, उनसे चश्मपोशी कर लेती है और ये लोग और एक आपस में मिलजुल के अपने सारे मफादात जो हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ करते रहते हैं। इसी तरह देखा देखी जो सेवन न्यूज़ है उसका भी जो मालिक है उसके बेसिकली फैसलाबाद में जो है टेक्सटाइल की मिलें थी, उसने भी चैनल खोल लिया। इसके अलावा पब्लिक न्यूज़ के जो लोग हैं मालिक हैं वो भी किसी और बिज़नेस से उनका ताल्लुक था लेकिन उन्होंने भी अपना चैनल बना लिया। फिर और कुछ अदारे हैं उन्होंने भी इसी तरह से TV चैनल्स बनाए ताकि वो अपने बिज़नेस और इन सारी चीज़ों को जो है ना फ़ायदा दे सकें। तो अब आहिस्ता आहिस्ता ये जो मीडिया के गुब्बारे में एक हवा भरी गई थी पिछले 5 साल दौर में, ख़ास तौर पे इन पर जो हवा भरी गई थी वो अब निकल रही है क्योंकि मौजूदा हुकूमत जो है वो इनसे प्रेशराइज़ नहीं हो रही। इनके जो नाजायज़ जो इनके काम थे उनके बारे में तहकीकात शुरू हो गई हैं, सहाफ़ियों के खिलाफ भी अनकरीब तहकीकात शुरू होने वाली हैं कि उन्होंने जो इतना पैसा कमाया है, जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ बड़े बड़े बंगले इनके पास हैं वो कहाँ से आए हैं। तो फिर हुकूमत के खिलाफ दोबारा से प्रोपेगंडा शुरू होगा कि जी आज़ादी सहाफत पे हमला हो गया है, आज़ादी इजहार राय का गला घोंटा जा रहा है, क्योंकि अभी फिलहाल तो सिर्फ चैनल्स के खिलाफ ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि जी उनके खिलाफ तहकीकात शुरू हुई हैं कि कितनी टैक्स चोरी की या इन्होंने कितने पैसे खाए हैं तो वो टैक्स इनसे वापस लिए जाएं। जैसे मुजीबुर्रहमान शामी से गवर्नमेंट ने पेट्रोल पम्प वापस लिए तो उसने बहुत शोर मचाया, तलत हुसैन से ग्राउंड वापस लिया गया तो उसने बहुत शोर मचाया। इसी तरह जो मुश्ताक मिनास है मुस्लिम लीग नून का बहुत करीबी शख्स है, वो भी एक साफ़ी था और उसको आज़ाद कश्मीर में वजारत इत्तला'आत मिली हुई है। इसी तरह अमार मसूद है तो उसको भी बहुत सारे हुकूमत ने ओहदे दिए हुए। इसके अलावा नजम वली खान है उसको भी बहुत सारे फवायद मिले। इसके अलावा बहुत सारे लोग हैं जिनको इन लोगों ने आपस में साथ मिला के, इरफान सिद्दीकी एक बहुत बड़ा नाम है कि उसको जो हुकूमत ने अपने करीब किया तो उसका क्या मकसद था। मीडिया किस तरह से टैक्स चोरियाँ करता है, मीडिया बनाने का मकसद क्या है, तो ये आपको हमने बताया है। इसके बाद भी आपके जहन में अगर कोई सवाल हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम आपको उसका जवाब देंगे। आज तक के लिए बस इतना ही, अल्लाह हाफिज़।